दैनिक परमार्थ आवाज अब नए अवतार में। परमार्थ आवाज डिजिटल न्यूज चैनल, राजनीति से रोजगार तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, आपके साथ सच की बात परमार्थ आवाज पर। आप हमें हमारे वेबसाइट www.parmarthawaz.com पर भी विजिट कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी देख सकते हैं। एक हफ्ते से ट्रांसफार्मर खराब, ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर। आपको बता दें खबर हरदोई अंतर्गत है। एक सप्ताह पूर्व फूके ट्रांसफार्मर को बिजली विभाग बदलने की सहमत नहीं उठा रहा है, इससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इसकी ऑनलाइन शिकायत भी कई बार कर चुके हैं लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। ट्रांसफार्मर ना बदलने से गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। आपको बता दें ग्राम हुस्सेपुर करमाया में सप्ताह भर पूर्व ट्रांसफार्मर फूक गया था, उसे अभी तक बदला नहीं जा सका। ग्रामीणों द्वारा विभाग अधिकारियों व ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें ट्रांसफार्मर फूक जाने से पूरे गांव की आपूर्ति 8 दिनों से ठप पड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में सह समस्या आए दिन बनी रहती है, साथ ही अन्य फॉल्टों को लेकर सप्लाई बाधित रहती है। उपभोक्ताओं को कभी भी स्वचालित रूप से सप्लाई नहीं मिल पा रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि फूके हुए ट्रांसफार्मर को 48 घंटे में बदलने का आदेश योगी जी का है लेकिन इसके बाद भी गांव हुसेपुर करमाया में अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। इसके चलते बिजली विभाग के प्रति लोगों में आक्रोश पनप रहा है। तहसील संवाददाता रियाज खान की खास रिपोर्ट।